वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाएगी सरकार, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। बड़ी और अहम जानकारी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। आके कहा कि पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुना दिया है कि जो चुनाव होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। तो इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार अब लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन वो कर रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। ये बेहद बड़ा और अहम बयान है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार अब लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। तो वहीं पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन अभी ऐसा मत करो। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। धन्यवाद। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने है, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाएगी सरकार का बयान दिया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवराज सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाएगी सरकार।